यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ब्रेक के बाद चलिए सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए को बहुमत मिला है, बीजेपी बहुमत से कम है, लेकिन अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो रही है। एनडीए की बैठक है, नीतीश से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, और चिराग पासवान ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गया था। नीतीश कुमार ने गठबंधन को मजबूत किया है, बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, नीतीश ने सहयोग दिया चुनाव में, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करने गया था। तो चिराग पासवान की अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सभी दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को विपक्षी गठबंधन की बैठक है जिसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तो अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इन सबके बीच कई सारी बातें, कई सारे सस्पेंस, एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर। देने का दिन था मुख्यमंत्री जी को, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया, और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी जमुई से, और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया, और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीतकर आए, ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं,